अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यहाँ से लेके मेरे घर तक जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 11 किलोमीटर्स का है, ठीक है। तो मैं इस ट्रिप को करने लगा हूँ ज़ीरो और हम ट्रिप ए को भी ज़ीरो करते हैं, ठीक है। हम चेक करते हैं कि ये कितना ट्रैवल होगा और उस लिहाज से रेंज कितना कम होगी, और हम ये चेक करेंगे कि ये जो फ्यूल एफिशिएंसी हमें, फ्यूल इकोनॉमी हमें मीटर पे शो कर रहा है वो कितनी एफिशिएंट है। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कार राइट नाउ। ठीक है जनाब, गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट एंड वंस अगेन द आइडिया इज एसी चल रहा है, ठीक है। और हमने इसको हाइपर माइल करना है, यानी बहुत ही प्यार मोहब्बत से और तमीज़ से चलाना है। और हम ये चेक करेंगे कि मेरे घर पहुंचने तक ये हमें क्या फ्यूल एफिशिएंसी शो करता है। सो एज यू कैन सी कि ये अभी 1.8 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज शो कर रहा है कि मैं कार इस लिहाज से चला रहा हूँ कि इसके एवरेज जो है वो फ्यूल एवरेज जो है वो कदन कम शो कर रहा है। बट बाई द टाइम वी रीच होम हम देखेंगे क्या फ्यूल एवरेज इसकी आती है। यहीं पे मीटर रहेगा, मैं इसको नहीं छेदूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कहा जाता है कि जो फ्यूल एवरेज मीटर क्लस्टर पे शो हो रहा होता है वो रियल नहीं होता, एंड आई डू एग्री अबाउट दिस एज वेल। मगर जो लेटेस्ट जापानी गाड़ियाँ हैं मुझे उनको देखकर लगता है कि वो कुछ हद तक असल भी होती हैं। जैसे कि इस कार को मुझे देख के एक बहुत गहरी फीलिंग आती है कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो बड़ी वैशी है। मैंने ये कार कोई एक हफ्ता या 10 दिन इस्तेमाल की है और इसकी फ्यूल एवरेज इंतहाई क्रेजी है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इकोनॉमी लाइट पे इसको चला रहा हूँ। आई एम हाइपर माइलिंग दिस कार, आई एम ट्राइंग टू ड्राइव दिस कार वेरी फ्यूल एफिशिएंटली, ठीक है। आगे स्पीड ब्रेकर आ गया है इसलिए मैंने गाड़ी जो है आहिस्ता की है। और आप देख सकते हैं कि 24 पे इसकी एवरेज वैसे ही पहुंच चुकी है, और रेंज इसकी जब मैंने शुरू की थी तब भी 87 पे थी, अभी भी 87 पे है, हालांकि 1.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये चल गई है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो 10 दिन मैंने चलाई है उस 10 दिनों में कभी के बाद मैं आधी रात को भी निकला बाहर, मौसम बड़ा उमदा था, तो विदाउट एसी भी मैंने इसको चलाया, हाइपर माइल किया, और अल्लाह शाहिद है कि ये कार मुझे तकरीबन विदाउट एसी 32.4 किलोमीटर पर एवरेज भी दे रही थी, किलोमीटर पर लीटर पर एवरेज, और 27-28 तो खामखा दे रही थी विदाउट एसी। तो मेरा जो है, ऑल्दो इसके फीचर्स थोड़े मुनासिब हैं, यहाँ पे आर्मरेस्ट मौजूद नहीं है और प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू अदर इसके जो काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे एन वैगन कस्टम हो गई, मूव हो गई, द हार्ट कास्ट हो गई, थोड़ी सी मुझे वो लगती है कि जैसे कि मतलब है कि दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब। मगर ये कि ये जो फ्यूल एवरेज जो इतनी वैशी शो करती है ना, उसकी वजह से आई डू बिलीव कि द हार्ट टू मीरा इस शेप के अंदर भी इस वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। राइट नाउ 2.2 किलोमीटर टन रेंज जो है वो भाईजान 87 किलोमीटर्स के ऊपर ही है, 25.3 पे आ चुकी है। दिस वीडियो इज अप्रॉक्सीमेटली गोइंग टू बी ऑफ अराउंड आई बिलीव 12-13 मिनट्स, क्योंकि इतना टाइम मुझे लगता है घर जाने में। और फाइनली 86 पे अभी आई एवरेज इसकी रेंज, 2.5 किलोमीटर चलने के बाद 1 किलोमीटर की रेंज इसकी कम हो चुकी है। अच्छा जी, हाइपर माइलिंग या बेस्ट फ्यूल एवरेज लेने का तरीका यही है कि आप इसको प्यार मोहब्बत से चलाते रहो। देखें जी, 65-70 रुपये तो मैं वैसे ही जा रहा हूँ, आगे इशारे मैंने स्पीड नप के क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, मैंने ब्रेक ही मारनी है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि आप ग्रीन इकोनॉमी लाइट पर चलाएँ। अच्छा, अब इसमें बहुत से लोग एट टाइम्स ये बात करते हैं कि यार जब आप हाइपर माइलिंग करते हैं तो 10 मिनट का रास्ता जो 12 मिनट में कवर होता है, ठीक है, और आधा घंटे का रास्ता 40 मिनट में कवर होता है, सो वाई हाइपर माइल। अच्छा जी, ये इकोनॉमी मोड चल रहा है तो अब देखें वहाँ पे पेट्रोल की बचत हो रही है, सही है। अच्छा जी, हाइपर माइलिंग भाईजान आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। 150 रुपीज़ का पेट्रोल चल रहा है आज की तारीख में, और मल्टीपल समरीज पास होने की तजवीज़ हो रही है कि जनाब 26 लीटर पेट्रोल भरवा दो, 21 रुपीज़ लीटर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ कर दो।
अभी तक तो नहीं हुई, मगर सूनर और लेटर इट हैज टू बी डन, वरना जो खसारा है वो ज़्यादा होता रहेगा एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल प्राइसेस जो बाजार के अंदर जो वर्ल्ड वाइड चल रही हैं। तो हमने हाइपर माइलिंग आज नहीं तो कल सीखनी चाहिए हमें, सही है, हमें इस लिहाज से निकलना चाहिए कि हम पेट्रोल की बचत कर सकें। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि मेरा शोरूम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जेल रोड के ऊपर अलजीज़ मोटर्स के नाम से, हर किस्म के लोगों से पाला पड़ता है। तो पिछले दिनों एक नहीं कोई दो तीन दोस्त मेरे ऐसे जिनके पास ऑडी है, जिनके पास हवाले 86 है, जिनके पास पोर्टेज है, उनका मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुल अजीज वी नीड अ 660 कार रोज़मर्रा के कामों के लिए जिसकी फ्यूल एवरेज अच्छी हो। यानी कि कोई भी पेट्रोल डलवाने से बरी नहीं है भाईजान, आपने पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है, आपने 150 रुपये का लीटर पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है। अब उनको मारे मोटे छोटे मोटे काम करना है तो उसके लिए भी वो स्पोर्टेज निकालें या ऑडी निकालें, तो उनको वो समझ नहीं आती है कि यार एक तो भरी गाड़ी निकालो ऊपर से पेट्रोल ज़्यादा खर्चो, मतलब इतनी ट्रैफिक है बंदा छोटी मोटी गाड़ी निकाल कर निकल जाए। तो जनाब ये जो पेट्रोल की टेंशन है वो मिडिल क्लास तो क्या अपर क्लास को भी है कि यार चलो कोई ऐसी चीज़ भी हो जो छोटे मोटे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए हो जाए, तो ये चीज़ हमने सीखनी है। अच्छा जनाब अभी मैं 4 किलोमीटर चल गया हूँ और 87 किलोमीटर से रेंज 86 पे आई है और फ्यूल एवरेज जो है ये कार मुझे 28.2 किलोमीटर दे रही है, विच इज़ वेरी वेरी सुपर सुपर इम्प्रेसिव। और एक दफ़ा मीटर देख लें फिर बातें करते हैं इंशाल्लाह। हाय 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 29.2 किलोमीटर पर लीटर एवरेज शो कर रही है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर चल गई है और रेंज जो है वो 1 किलोमीटर ही नीचे आई है। आई एम हाइपर माइलिंग जनाब, 60 की स्पीड पे मैं चला रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि पीछे से मुझे हॉर्न पड़ रहे हैं या कोई मसले मसाइल हो रहे हैं। हाँ ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा बायस्ड इसलिए है कि ये फेज 6 की रोड है और यहाँ पर जेन्युइनली सिग्नल फ्री रोड है, इशारे यहाँ पे नहीं हैं, जल्दी के आते नहीं हैं, आते हैं वैसे मगर छोटे होते हैं और ट्रैफिक जो है वो एज सच रुकती नहीं है। और देखते ही देखते विद एसी 30.7 किलोमीटर पर ये पहुँच गया है, मगर ये मैं वादे करता चला हूँ कि ये एक ऐसी ट्रैफिक में पहुँचा है जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, ऐसी जगह पे ये पहुँचा है। यूजली जहाँ पे ट्रैफिक होती है तो ये विद एसी मुझे तकरीबन 23-24 भी की एवरेज देती है, मगर सेंस यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो ये मुझे ऐसी वैशी एवरेज दे रही है। एंड फाइनली आफ्टर 5.5 किलोमीटर इसकी किलोमीटर रेंज जो है वो 1 किलोमीटर मज़ीद कम हुई है। एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। ये चौक है, यहाँ पे हल्की फुल्की ट्रैफिक ब्लॉक है, यहाँ पे मुझे हो सकता है कोई 2-4 मिनट खड़ा होना पड़ जाए एंड आई बिलीव इसकी एवरेज जो है 31.8 से ख़राब हो जाएगी। And we have a Nissan Serena Highway Star e-Power, the latest shape of Nissan Serena, which is looking quite awesome. Hi, hi, hi. Fareed Motors, कहाँ पे भाई जान, ये नशे मन इकबाल फेज़ 1 खयाबान जिना। खैर एनी हाउ बड़ी उम्दा लग रही है भाई जान ये Nissan DS Highway Star की शेप। और this video is uncut. जैसे जैसे चलूँगा, जहाँ जहाँ से चलूँगा, जैसे जैसे रास्ता आएगा वैसे वैसे आपको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब दस्ती 31.8 से 30.7 की सी एवरेज आ गई है, रेंज 85 पे ही है। वादे करते चलें कि जब से शुरू हुई है 2 किलोमीटर रेंज ही कम हुई है। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा चलाना तेज़ चलना पड़ रहा है, तेज़ करना पड़ रहा है, पाकिस्तानियों वाली हरकतें करनी पड़ रही हैं, अपनी जगह खुद बनानी पड़ रही है, तो उसके लिए गाड़ी थोड़ी सी भगानी पड़ रही है। लें जी यहाँ से हम आ गए, नाउ वी आर एंटरिंग फेज़ 5। ये फेज़ 5 में मैं एंटर हो रहा हूँ एंड बैक टू द गुड इकोनॉमी टाइम। अच्छा जी ये छोटे से पैच की वजह से जो कि मसा कोई आधा मिनट का था या एक मिनट का भी नहीं था, 29.2 पे एवरेज इसकी आ गई है, 2 किलोमीटर इसकी एवरेज शॉर्ट आ गई है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा था कि यार ये रश वाली जगह पे तकरीबन मुझे 23 की एवरेज दे देती है। खैर एनी हाउ 6.1 किलोमीटर डन और 3 किलोमीटर की रेंज इसकी कम हुई है फिलहाल एट दिस पॉइंट इन टाइम।
अच्छा फेज़ 5 की रोड्स का भी भाईजान यही सीन है एट दिस पॉइंट इन टाइम, रश इतना ज़्यादा है नहीं फ़िलहाल, और क्या कहते हैं कार जो है वो चलती रहती है। ऑल तो यहाँ पे एक चौक आता है वहाँ पे तो रश नहीं मिलता, मगर एट टाइम्स इसके अगला एक चौक होता है वतीन चौक, वहाँ पे कभी के बाद रश मिल जाता है इस टाइम के ऊपर। आई एम नॉट श्योर मुझे इस वक्त रश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा जी, पागलपन वाला ज़माना चल रहा है, मतलब एज सच पागलपन तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, मतलब है कि इंसेन का प्राइसेस आर गोइंग अप, मतलब है कि मैं सुबह सो के उठता हूँ तो कोई ना कोई किसी ना किसी कंपनी ने कार प्राइस इंक्रीज़ की होती है। जैसे कि आज जो है वो 19 अप्रैल है, तो 18 अप्रैल को कल किया स्पोर्ट्स ने फिर 3-3 लाख रुपये प्राइस इंक्रीज़ कर दी है, किया स्टॉनिक की भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, पिकांटो की भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। जिनको नहीं पता, पिकांटो ऑटोमेटिक अब 27 लाख की होगी, पिकांटो मैनुअल अब 25 लाख की होगी है, आपकी जो स्टॉनिक है वो तकरीबन 4750 पे पहुंच गई है। इसके साथ जो आपकी स्पोर्टेज का जो ऑल व्हील ड्राइव है वो ज़रा मैं चेक कर लूँ, मेरे दिमाग से निकल गया वो कहाँ पहुंच गया है। वैसे बड़ी गलत हरकत कर रहा हूँ, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मोबाइल देख रहा हूँ, बहरहाल मुझे नहीं पता चल रहा वो कहाँ पर है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ यार, होल्ड करो। किया स्पोर्टेज की प्राइस जनाब 53, 58 और 63 की हो गई है, 3-3 लाख रुपए प्राइस हर वेरिएंट की इंक्रीज़ कर गई है, और स्टॉनिक जो 39 की किसी ज़माने में शुरू हुई थी, ये अभी भाईजान ये अभी जनवरी फरवरी में आई थी, वो अब 47.25 की हो गई है EX प्लस, और EX वेरिएंट 44.25 का हो गया। अच्छा जी, सीन वही है कि मैं फेज़ 5 से गुजर रहा हूँ, ठीक है, और कार जो है वो मुनासिब स्पीड पे चला रहा हूँ, कोई ये भी नहीं है कि बहुत हल्की स्पीड पे चला रहा हूँ, और वादे करता चलूँ कि विद एसी ये काम हो रहा है। एंड दिस कार इज़ गिविंग मी एन एवरेज ऑफ 29.8 किलोमीटर्स पर लीटर, वी आर ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स डन, और रेंज जो है वो तकरीबन आपकी 3 किलोमीटर से कम हुई है। एंड 30 किलोमीटर्स पर लीटर हमें ये एवरेज दे रही है, isn't that beautiful average? So this was the Wateen Chowk which I was talking about earlier on. यहाँ पे अभी फिलहाल आज रश मौजूद नहीं है, हल्की हल्की ब्रेकें तो लग रही हैं क्योंकि ट्रैफिक वाला चौक होता है। फिलहाल मुझे लगता है रमज़ान की जैसे थोड़ा सा ना टाइमिंग स्कूलों के डिफरेंट हैं, तो इस वजह से इतना कुछ रश यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, वरना ये यूजली एरिया हल्का फुल्का चौक हुआ होता है। ये ब्रेकें लग रही हल्की हल्की। जनाब आप लोग देख सकते हैं तकरीबन मैं वीडियो के 14th मिनट में हूँ, 14वें मिनट पे मैं दाखिल हो चुका हूँ वीडियो के, 9 किलोमीटर्स इन 9 किलोमीटर में चल चुका हूँ, और रेंज सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर कम हुई है, 4th किलोमीटर भी अभी अभी गिरा है, और क्या कहते हैं अभी 3 किलोमीटर ही कम था और अब जो है ये 4th किलोमीटर से गिर गया है। अच्छा जी, अब हमारा घर आने वाला है तो हम जो हैं मीटर के पास ही इसकी वो रखेंगे, जब घर आ जाएगा तब आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई जनाब घर आ चुका है। गली में मैं चल रहा हूँ इसलिए स्पीड जो है अब वो इतनी ही रहेगी जितनी अभी है फिलहाल, अराउंड 40-41 पे ही रहेगी। ब्रेकें ज़्यादा ऑब्वियसली लगेंगे क्योंकि स्पीड ब्रेकर वगैरह यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं, और जैसे कि आप लोगों को बताया था कि उस जगह से मेरा घर तकरीबन
10 नहीं 11 किलोमीटर दूर है फिलहाल। मुझे तो लग रहा है कि 10 किलोमीटर पर शायद हम घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ऑल राइट, तो मेरा घर जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। और ये कार तकरीबन 10 किलोमीटर मैंने चलाई है, और 10 किलोमीटर चलाने के बाद रेंज जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर्स कम हुई है, ठीक है। सो वेल या दैट वाज अबाउट इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप पेट्रोल, अगर आप कार को प्यार मोहब्बत से चलाएं, एहतियात से चलाएं, तो ना सिर्फ ये कि आप इसको एक मुनासिब स्पीड पे भी चला सकते हैं, आप फ्यूल एफिशिएंसी के भी मज़े ले सकते हैं, ख़ास तौर पे जापानी गाड़ियों में। आपका हाइपर माइलिंग के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताएं, कि आपको लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, या आपको लगता है कि ये हमें आज की तारीख में जो पेट्रोल की प्राइसेस हुई हैं हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन ओपन है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।